हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं खुशी भटनागर और आज हम मिले हैं बहुत ही अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स जानने के लिए। पर वो साइंस एक्सपेरिमेंट्स अब किससे करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं उस चीज से जो हर खाने का स्वाद बढ़ाती है, यानी कि सॉल्ट। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि नमक से हम करने वाले हैं साइंस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि नमक का साइंस से भी बहुत बड़ा रिश्ता है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हम आज देखने वाले हैं उन्हें हमने बहुत देखा होगा, पर आज हम जानेंगे कि वो रियलिटी में पॉसिबल है कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले सबसे पहले, क्या सॉल्ट और विनेगर में जब कोई भी डर्टी कॉइन डालते हैं तो क्या वो चमकता हुआ निकलता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं। तो यहाँ पे इस ग्लास में है विनेगर और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट। अब देखिए, ये जो गंदा सा कॉइन है हमारे पास, इसे हमें चमकाना है। तो डाल देते हैं सॉल्यूशन में। अब कुछ टाइम बाद मैंने इस कॉइन को निकाला और देखिए कॉइन काफी हद तक कितना ज्यादा चमक चुका है, चमक आ गई है, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल सक्सेसफुल है और आप बिल्कुल घर में ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसके पीछे का रीजन देख लीजिए। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या सॉल्ट वाटर में हमारी बैटरी जो है वो धुआंधार हो जाती है कि नहीं। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले हमने वाटर लिया है और वाटर में मिक्स कर रहे हैं सॉल्ट को। अब यहां पर मैंने ये बैटरी ली है, अब इस बैटरी को मैं डाल दूंगी हमारे सॉल्ट वाटर में और देखिए बैटरी में से धुआं निकलने लगा है। बहुत ही धुआंधार बैटरी हो चुकी है आपकी, इसमें तेजी से धुआं निकल रहा है, बबल्स भी आ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, आप आराम से घर पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए धुआं जो है वो कंटिन्यूशन में निकलता जाएगा और ऊपर एक लेयर जो है वो बन जाएगी। देखिए ऊपर इस तरह की लेयर आपके सामने बन जाएगी और इस तरह से आपको वो लुक आएगा और एट द एंड इतनी डार्क लेयर बन जाएगी। तो जानते हैं इसके पीछे का रीजन। अब हम लास्ट एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं कि क्या फेविकॉल सॉल्ट के साथ मिक्स होने के बाद हमारे हाथ में स्टिक नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने फेविकॉल और सॉल्ट हाथ में ले लिया है और उनको दोनों को अच्छे से हाथ में रब किया और एट दी एंड पूरी फेविकॉल सॉल्ट में स्टिक हो गई, पर मेरे हाथ में जरा भी फेविकॉल नहीं बची। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल है। तो देखा आपने, सारे सॉल्ट एक्सपेरिमेंट्स जो आज हमने ट्राई करे सब पॉसिबल हैं। तो फटाफट से नमक उठाइए और शुरू हो जाइए और आप भी अपने घर में ट्राई करिए सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स। हम फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। पर अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी, जहां पे आपको हर एक चीज बहुत ही सीक्वेंस में और सिस्टमैटिक फॉर्म में मिलेगी और एक्स्ट्रा लर्निंग ऑप्शन में जाकर आपको सारे DIYs और सारे एक्सपेरिमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये है ना बहुत आसान। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।